नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना से अभी तक पूरे विश्व को मुक्ति नहीं मिल पाई है। चीन के वुहान शहर से फैला ये वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। हमारे देश में भी लोग इससे काफी परेशान हैं। इसी बीच दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना ने तेजी की रफ्तार पकड़ ली है। जी हाँ, क्या है कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना से हाहाकार मची है। चारों तरफ कोरोना ने आफत मचा रखी है। हर किसी को कोरोना का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों की जानें ले ली कोरोना ने। हमारे देश में कभी कभी कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कभी कभी कोरोना नियंत्रण में रहता है। ऐसा ही माहौल है इस वक्त दिल्ली का, जहाँ एक बार फिर से कोरोना ने तेजी के साथ रफ्तार पकड़ दी है। जी हाँ, दिल्ली में मरीजों की संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। बता दें कि दिल्ली कोरोना संक्रमण के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मात्र 16 दिनों में ही कोरोना के 1,00,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण की दर भी 13% हो गई है। वहीं दिल्ली में लोगों की मौत के मामले भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस माह अब तक 1,02,496 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1,202 लोगों की मौत हो चुकी है। इस संख्या को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी हुई है कोरोना की रफ्तार में। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज 16 दिनों में ही इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस समय कम जाँच होने पर भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसके चलते संक्रमण दर 6% से लेकर 13% बढ़ गई है। जिस तरह से तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, ये आने वाले समय के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सर्द का मौसम आने वाला है और विशेषज्ञों की माने तो सर्द में कोरोना वायरस काफी एक्टिव रहता है। तो ऐसे में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार की तरफ से भी लगातार यही अपील की जा रही है, जिससे कि हम सभी इस घातक कोरोना के कहर से बच सकें।